स्टार्ट करें हेलो तो इस वीडियो में हम जनवरी के ट्वेंटी का जो पेपर है उसको पेप, शिफ्ट वन को डिस्कस करेंगे फिजिक्स के सॉल्यूशंस को ओके सोल्यूशन कोवन को भी अपना एक हो चुका है आज एक ट्वेंटी को सेकेंड वाला पेपर हुआ है इस वाले में देखते हैं क्या पूछा है फिर लास्ट में अपन डिस्कस करते हैं कि इस बार जेई मेंस क्या पूछने की ट्राई कर रहा है किस टाइप से पेपर क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे अभी तो जल्दी से जल्दी सब लोग देख लेते हैं भाई किस किस के आंसर सही है किस किस के आंसर गलत हुए हैं चलिए सर चालू करते हैं चलिए पहला क्वेश्चन था बोल रहा है कि इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बायल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड तो बताना है कि फोर्स ऑन द पार्टिकल x डायरेक्शन में क्या है तो देखो हमें पता है कि हमारे पास एक रिलेशन होता है कि फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप ठीक है तो हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन का फोर्स बता रहे हैं तो सिर्फ हमें डेल्यू बाई डेलेक्स निकालना चाहिए तो अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाकी वाले जितने भी कॉन्स्टेंट है वाई और जेड वो क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे उनका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे डेल्यू बाय डेल एक्स की वैल्यू लिखते हैं तो वो हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड और वाई और जेड कैसे बिहेव करेंगे कॉन्स्टेंट जैसे तो ठीक है अब ये जो फोर है ये बाहर आ जाएगा और बचा हमारे पास क्या एक्स स्क्सर का क्या होगा टू एक्स तो आप क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास एट एक्स पर हमें फोर्स बताना था फोर्स होगा माइनस डेल्यू बाई डेल एक्स तो माइनस एट एक्स आ जाएगा आंसर तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा फर्स्ट चलिए सर अब इस वाले प्रॉब्लम को अगर वीटी सर अगर देखें थोड़ा सा कि जय ने क्या पूछने का ट्राई किया है तो ये पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैलकुलेट करना हो किस किस डायरेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट होगा सबसे सिंपल वाला पार्ट पूछा है कि सिर्फ एक्स में क्या होगा तो भाई एक्स के रेस्पेक्ट में सिर्फ पार्शियल करके नेगेटिव साइन लगा दो माइनस डेली और आपके चार नंबर पक्के हो गए चलिए नेक्स्ट वाले पे मोह करते हैं यह इस बार देखिए क्या पूछा एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड इन ए कर पाथ इफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टू डिफरेंट पॉइंट इज गिवन एज थ्री इज टू टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ दीज पॉइंट तो देखिए जो भी पार्टिकल है और उसका एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है तो एक्सीलरेशन अगर देखें तो ये वाली वैल्यू अगर कोई कॉन्स्टेंट कर दे तो अपने को डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली परपोशनल हो गई रूट आर के और रूट आर के हिसाब से देखें तो इनकी रेडियस का रेशियो है थ्री इज टू टू तो इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा रूट थ्री इज टू रूट टू तो देखिए पहले वाला ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा तो चलिए सर तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है हंड्रेड के वो ट्रेवल कर रहा है दस मीटर और एक रफ सरफेस पे जिसका ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है पॉइंट तो हमें बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा तो देखिए क्या होगा जैसे मान लीजिए क्योंकि इसने हमें बता तो रखा नहीं है तो अगर उसने हमें बता रखा है कि भाई रफ सरफेस है तो मान लेते हैं सरफेस जो से कैसा है हॉरिजॉन्टल है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है 100 के तो मास हो गया 100 के अब देखो क्या होगा इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा कहा की तरफ ऊपर वेट लग रहा होगा कहां की तरफ नीचे अब अगर ये आगे जा रहा है लेटर सपोज तो फ्रिक्शन कहां लगेगा पीछे तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट आगे है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है पीछे तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 होगा यानी वर्क डन कैसा आएगा नेगेटिव ठीक है अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 मीटर अगर ये डिस्प्लेस कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम बोल ही सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है म्यू इंटू अब इस केस में देखें तो नॉर्मल की वैल्यू वेट के बराबर हो जाएगी यानी mg के बराबर हो जाएगी तो म्यू कितना होगा म्यू हो जाएगा हमारे पास 0.4 मास कितना है हमारे पास 100 और जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 10 तो मेरे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया वो आ जाएगा यहां से कितना 4 100 कितना आ जाएगा 400 अच्छा अब मुझे निकालना है वर्क मुझे वर्क निकालना है तो मुझे पता है वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा अब मुझे समझ में आ रहा है कि displacement आगे की तरफ हो रहा है friction, पीछे की तरफ लग रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन तो फोर्स तो मेरे पास कितना है फोर हंड्रेड मुझे दे रखा है कितना टेन तो डेफिनेटली और ये जो थीटा की है, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन तो कितना माइनस फोर थाउजेंड जूल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था अब इस वाले प्रॉब्लम को अगर देखें तो जो बच्चा अपने साथ दो साल अगर यहां पर पढ़ा है या एक साल जिसने भी तैयारी की है वो डायरेक्ट देखते ही बता सकता था कि भाई कितना फ्रिक्शन लग रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट आंसर आ सकता था तो अभी तक के हिसाब से देखें तो कोई कैलकुलेशन कहीं करने की आपको जरूरी नहीं थी ये तो हम ए सर ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे पहली बार आपको सिखा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है नहीं तो आप बहुत जल्दी कर सकते थे जैसे ये देखिए पार्टिकल इज एक्टिंग एस एच एम एम्पलीट्यूड ए ऑफ टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अगर कोई पार्टिकल एस एच एम कर रहा है तो टोटल एनर्जी और का टोटल एनर्जी सबको याद है एक्स हाँ पे हो जाती है हाफ के ए स्केरस एक्स स्केर बस ये रेशियो अपने को कैलकुलेट करना था हाफ के कैंसल आउट हो गए तो ए स्केर अपॉन ए स्केर माइनस एक्स स्केर की जगह पे आ गया ए स्केर बाय नाइन तो अगर करेक्ट सोल्व कर लें तो यह आंसर आ गया नाइन बाय एट तो अपना एक प्रॉब्लम और सही हो गया ऐसा ही अगर आपको एक और दिखा दूं अगर मैं आपको एक सिंपल सा प्रॉब्लम तो देखिए ये वाला प्रॉब्लम जो है ये रोटेशन में अगर आपने पढ़ा हो तो उस टाइम पे एक चीज अपन याद करते हैं और वो हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाए इसका एक सॉलिड सिलेंडर को रिलीज कर दिया रेस्ट से सरफेस सफिशियंटली रफ है प्योर रोलिंग के लिए इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन दे रखा है थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री अपने को निकालना, है, of of अगर में of of निकालना हो तो ए सी एम इनक्लाइन प्लेन पे जी साइन थी अपॉन वन प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर और ये आई आपका आईसीएम होता है, है डायरेक्ट इससे और इसकी अगर वैल्यू पुट कर दें तो जी की वैल्यू टेन दी हुई साइन सिक्सटी की वैल्यू हो गई रूट थ्री बाई टू I. अगर आप सिलेंडर के लिए I देखें तो वो तो तो ये 1 2 हो गया अगर इसको कर लें तो यहाँ से अपना आंसर आ गए टेन बाय रूट थ्री तो इस वाले में अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया ए वाला चलिए आप बताइए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं यहां पर बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर है जिसका जो है, जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है थर्टी सेंटीमीटर दे रखा है और साइज ऑफ इन्वर्टेड इमेज दे है वो हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे है देखिए अगर इन्वर्टेड इमेज दे है यानी मैग्नीफिकेशन कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम एम बोल देते हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टू अब हमें मिरर के केस में पता होता है कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो कितना हो जाएगा माइनस वी बाय पर यू भी हमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेना चाहिए तो यू भी कैसा हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि डेफिनेटली रियल ऑब्जेक्ट होगा तो यू को भी क्या ले लेता हूं मैं माइनस क्या ले लेता हूं माइनस तो यहां से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस यू बाई टू अच्छा अब मैं क्या यूज कर सकता हूं मैं मेरस फॉर्मुला यूज कर सकता हूं तो मैं बोलूंगा मिरस फॉर्मूला होता है वन बाई वी प्लस वन बायल टू वन अपॉन एफ अब मुझे एफ की वैल्यू चाहिए तो मुझे पता है एफ की वैल्यू जो होती है वो आर बाय टू के बराबर होती है यानी वो फिफ्टीन हो जाएगा अच्छा ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है अगर कॉनकेव मिरर के लिए देखा जाए तो वो नेगेटिव होगा तो माइनस वन बाय फिफ्टीन लिख देंगे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस यू बाई टू तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई यू और u नेगेटिव ही था तो माइनस तो माइनस वन बाय ये हो जाएगा है कि नहीं तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस थ्री

इन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सिलेशन इज सेम एट डी एंड हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ फाइंड द वैल्यू ऑफ एच इस वाले प्रॉब्लम को देखें तो ये अपन डायरेक्ट क्लास में लिखवा देते हैं कि भाई जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपनी जो हाइट के साथ जी में चेंज आता है वो आता है जी एट सरफेस वन माइनस टू एच बायर और डेप्थ के साथ अगर देखते हैं जी की वैल्यू तो डेप्थ के साथ वैल्यू होती है जी वन माइनस डी बाय आर और यहां से जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो हाइट वाली टर्म्स में ये टू टाइम्स इफेक्टिव होती है तो अपने को अगर डेप्थ डी पे जो अपने जी की वैल्यू देख रहे हैं तो वहां पे अगर हाइट की वैल्यू देखें तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी डी बाई टू क्योंकि डी बाई टू रखते ही ये वैल्यू के डीवल होगी तो दोनों के लिए वैल्यू सेम हो जाएगी तो इसमें डायरेक्ट अपना ऑप्शन हो जाएगा डी बाई टू तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाला देखिए चलिए सर इसमें क्या बोल रहा है

ठीक है अब यहां से हमें आई की वैल्यू दे रखी है देखो आई की वैल्यू दे रखिए आई नॉट प्लस बीटा टी आई नॉट की वैल्यू दे रखी है ट्वेंटी बीटा की वैल्यू दे रखी है थ्री तो मैं इसको ऐसा ले सकता हूं दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट को क्या ले सकता हूं ट्वेंटी प्लस बीटा की वैल्यू कितनी ले सकता हूं थ्री और ये टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी अब कितने सेकंड कितने टाइम में मुझे निकालना है ट्वेंटी सेकेंड में यानी कहां से कहां तक जीरो से लेके ट्वेंटी तक तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो क्या मिलेगा ट्वेंटी का ट्वेंटी आएगा इंटीग्रेशन में वो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा तो मेरे पास 20 dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा प्लस यहां पे क्या मिलेगा मुझे जीरो तो से, तक जाएगी? 0 से लेके 20. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा थ्री थाउजेंड ओके तो ये बिल्कुल सॉल्व हो गया नेक्स्ट वाला चलो और देखते है. इन्होंने इस बार लिखा है कि एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज टू स्क्वायर एंड बैटरी ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस साइड ऑफ स्क्वायर एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस वन डायगनल फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर तो यह पहला प्रॉब्लम है जिसमें लैंग्वेज बस आपको थोड़ी सी बड़ी लिख रही है इन्होंने सिंपल सा बोला है कि एक स्केर था एक स्ट्रेट वायर को आपने स्क्र में कन्वर्ट कर लिया और इसके एक एज के अलोंग आपने बैटरी लगा दी है इस बैटरी की वोल्टेज आपको नाइन वोल्ट दे दिए इंटरनल रेजिस्टेंस वन ओम दे दिया है किसी एक डायगोनल के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा दिया तो मान लो अपने इस के एक लगा दिया। और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है फोर तो आपको सिर्फ यह पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करें तो जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो यहां से तो कोई करंट जाएगी नहीं तो इन दो पार्ट से करंट जाएगी एक ऊपर वाली ब्रांच से एक नीचे वाली से तो ये चार है यहां और ऊपर वाला रेजिस्टेंस अगर टोटल देख लें तो ये बारह हो गया बारह और चार अगर ये पैरेलल में हो गए तो इनका नेट रेजिस्टेंस अपना बारह और चार पैरेलल में तो तीन आ गया तीन और एक ओम ये खुद है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला तो ये चार हो गया तो इसमें अगर टोटल कोई करंट लिखना चाहे तो टोटल वोल्टेज है नाइन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो गया फोर, तो ये हो गया फोर अब अगर यहां पे देखें तो ऊपर वाला रजिस्टेंस बारह और नीचे वाला रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है फोर. तो इन रेजिस्टेंस का रेशियो का रेशियो है तो इनके अक्रॉस करंट का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा वन का क्योंकि पैरल में यह होता ही है तो ऊपर वाले में अगर करंट देखें तो वो वन थर्ड होगी और वन थर्ड अगर इस टोटल करंट का कर दे नाइन बाय का तो करंट अपनी होगी थ्री बायर ये करंट अगर यहां से वैल्यू होगी फोर प्लस फोर एट इसको अगर सोल्व कर दें, तो इसका आंसर अपना आ जाए सिक्स वोल्ट तो इस वाले जो डाटा दिया हुआ है इसके हिसाब से अपर, आंसर देखें, तो इसका होना चाहिए सिक्स वोल्डी सर आप देखिए इसमें ऑप्शन में कोई करेक्शन तो सर सॉरी मुझे ऐसा लग रहा है सर कि यहाँ पे क्या है कि ये जो नाइन वोल्ट था ना हाँ. तो यहाँ से चार बारह और ये हो गया कितना ये तीन जाएगा तीन प्लस एक हो गया चार हाँ. तो यहाँ से करंट हो गया नाइन बाय फोर और नाइन बाय फोर हो गया तो उसके बाद अपन ऐसा कह सकते हैं भाई इसके अक्रॉस भी नाइन बाय का करेंट जा रहा होगा तो अगर इसके अक्रॉस नाइन बाय का करेंट जाएगा तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी कितने का आएगा नाइन बाई फोर का नाइन बाई फोर का तो टोटल में से अगर पोटेंशियल देखें जो इसके अक्रॉस आ रहा होगा पूरे के अक्रॉस आ रहा होगा वो कितना आएगा नाइन बाय फोर माइनस नाइन बाई फोर तो ये अगर अपन कैलकुलेट कर लें तो अपने हिसाब से कितना आ गया तो ये पे ड्रॉप हो रहा है तीन पार्ट में इक्वली हाँ हाँ तो अपन बोल सकते हैं कि टू थर्ड यहाँ पे होगा हाँ. और टू थर्ड अगर इसका कैलकुलेट करें ट्वेंटी सेवन बाय फोर का तो अपना आंसर यहाँ से आ जाए ये नाइन बाय टू

यूनिट्स है उसको चेंज कर दिया हम नॉर्मली प्रेशर की यूनिट्स क्या लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर यहां पे क्या लिखा हुआ है डाइन प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर तो देखो क्या होगा अगर मैं डाइन को कन्वर्ट करूंगा न्यूटन में तो वो हो जाएगा टेन की पावर माइनस फाइव है कि नहीं और सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखूंगा तो वो हो जाएगा टेन की पावर माइनस फोर है कि नहीं तो यहां पर जो प्रेशर है वो रियलिटी में ऐसा यूनिट के टर्म्स में अगर देखते हैं तो प्रेशर हो जाएगा टेन की पावर माइनस वन के टर्म्स में चल रहा है ठीक है अब देखते हैं अगर मुझे वर्क निकालना है इसमें तो मैं बोलूंगा इसका जो वर्क है वो इसके एरिया के बराबर आएगा जो इसके अंदर है तो मैं बोलूंगा इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस बेस की वैल्यू कितनी हो गई है फोर बेस की वैल्यू कितनी हो गई है फोर और यहां पे हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर थाउजेंड हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर थाउजेंड और ये जो पूरा टर्म था ये पूरा टर्म था ये आ रहा था आपके पास डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड मीटर क्यूब में तो जब इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस वन का भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तो हो जाएगा 10 की पावर -1. तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास कौन सा आ जाएगा एट हंड्रेड चलो तो नेक्स्ट वाला देखते हैं नेक्स्ट वाले में बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल देन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर पार्टिकल की सेम डी तो ब्रोगली वेवलेंथ अपना होता अपना एच अपॉन पी इसका मतलब मोमेंटम भी सेम हो गया अब मोमेंटम अगर सेम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें अगर मोमेंटम सेम हो तो अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की पी स्क्र बाई टू एम अब मोमेंटम सेम है ही तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई मास के अब अपने को काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है मास के इनवर्सली हो जाएगा तो ऊपर मास आएगा प्रोटोन का और नीचे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का और मास ऑफ प्रोटोन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब ने याद कर रखा होगा ये तो डायरेक्ट होता है 1836. तो इसमें कैलकुलेशन की कोई जरूरी नहीं है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला तो नेक्स्ट वाला देखो चलिए इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है कि रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम बताना है जब एक फोटोन रिलीज हुआ होगा ट्रांजिशन फ्रॉम टू से कहां तक वन में अब देखो अगर मैं एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करूं तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल हो जाएगा कितना माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके ऊपर जो एनर्जी लेवल होता है उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा अब ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा इसी की वजह से यहां से फोटोन निकला है तो ये अगर ये फोटोन कितनी एनर्जी लेके जाएगा जब ये यहां से टू से वन में जाएगा तो ये एनर्जी लेके कितनी टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो एनर्जी है उसकी वैल्यू हो जाएगी एच सी बाय लेमडा के बराबर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एच सी बाय लेमडा के बराबर तो एनर्जी है वो हो जाएगा टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल्स टू एच बायडा डिवाइडेड बाय सी सी इज द स्पीड ऑफ लाइट अब देखो एच बायडा क्या होता है मोमेंटम

हाइड्रोजन तो मैं इसको लिख पाऊंगा दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अच्छा अब मास ऑफ हाइड्रोजन को मास ऑफ प्रोटोन बोल सकते हैं तो मास ऑफ प्रोटोन की जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पेड्रोजन टू टेन पॉइंट टू अब ये देखिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है हमारे पास तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड ऑफ हाइड्रोजन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आता है फर्स्ट चलिए सर इस वाले प्रॉब्लम को देखें तो सर थोड़ा सा लग रहा है कि बच्चों को कैलकुलेशन करनी पड़ी होगी लेकिन फिर भी अगर बच्चों ने पहले से पढ़ रखा था तो यह तो डायरेक्ट पता था कि जितना फोटोन मोमेंटम लेके जाएगा उतना ही पार्टिकल लेके गए और पार्टिकल अगर उतना मोमेंटम लेके गए तो फिर उसकी स्पीड क्या है तो मोमेंटम अगर पता है तो स्पीड डायरेक्ट से आप निकाल सकते हैं मोमेंटम पे मास ऑफ प्रोटोन याद रखना जरूरी मास ऑफ प्रोटोन याद रखना जरूरी था चलिए कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग था जैसे फ्रिक्शन वाला वर्क अगेंस्ट था तो वो जो हमें डाटा मिला है जो भी लोगों को याद रहा है उसके हिसाब से सोल्व कर रहे हैं ये कोई फाइनल पेपर अपने को मिला नहीं है तो अब अगर अगेंस्ट फ्रिक्शन था तो उसको आप पॉजिटिव कर दो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए तो ये अपन लास्ट में अभी डिस्कस करेंगे पहले तो पेपर में देखते हैं भाई आया क्या इस बार नेक्स्ट वाला देखें तो ये लिखा हुआ है कि द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर टू प्लस माइनस फाइव एंड करंट इन द रजिस्टेंस इज 20 प्लस माइनस 0.2 पॉइंट टू देन फाइंड परसेंटेज एर इन रेजिस्टेंस एरर में अगर यह प्रॉब्लम आ जाए तो आप सबको बताइए तो रेजिस्टेंस होता है वी अपॉन आई और ये सारी की सारी अनसर्टेन एरर है प्लस माइनस है तो अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा आर अपॉन आर इन टू हंड्रेड अगर परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस की देखें तो वो हो जाए परसेंटेज एरर इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज एरर इन करंट क्योंकि सबकी पावर वन है और सबकी एरर आपके डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी वोल्टेज की अगर परसेंटेज एरर देखें तो वोल्टेज में एरर है 5 वो भी 200 में से है तो रिलेटिव एरर हो गई 5/200 और परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इन 200 ऐसे आई में अगर परसेंटेज एरर देखें तो आई में एरर है 0.2 की और क्वांटिटी है अपनी 20 और परसेंटेज की बात करें तो 100

ज्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं है बस जो दिया हुआ है तुम्हें जितना पढ़ रखा है उसको आराम से सोल्व कर दो किसी के एक दो गलत भी हो जाए तो बह मत करना क्योंकि ऐसा पेपर हो सकता है आप वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा एक दो प्रॉब्लम में ऐसा सोच सकते हो बाकी तो पूरा ही सॉल्व होना चाहिए ये एरर करोगे तो क्या करोगे भाई ये देखो सर इस क्वेश्चन में क्या है बोल रहा है एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो 1.5 है और फोकल लेंथ दे 20 सेंटीमीटर जब वो एयर में रखा हुआ है और जब उसको किसी मीडियम में संभर्श कर दिया है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कर दिया ठीक है अब मुझे लेंस मेकर फॉर्मूले से ये तो सेम है वैल्यू तो सेम ही रहेगी इसका मतलब क्या हुआ कि वन अपॉन एफ वन और इसको मैं नीचे लेके आ जाऊं तो मैं बोलूंगा म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन पहली वाली केस के लिए दैट शुड बीस वन अपॉन एफ टू इंटू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन सेकेंड वाले केस के लिए अब जो पहला वाला केस है पहले वाले केस में मेरे पास जो वाई फोकल लेंथ है अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा आता है पॉजिटिव आता है तो वन बाय एफ वन की वैल्यू दो दे रखी है ट्वेंटी वो पॉजिटिव हो जाएगी तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको वन बाय ट्वेंटी अच्छा नीचे वाला टर्म ऐड करते हैं

तो इस वाले में भी डायरेक्ट ये आंसर अगर कैलकुलेट करें तो म्यू रिलेटिव के प्रोपोर्शनल होगी फोकल लेंथ म्यू रिलेटिव माइनस वन के तो डायरेक्ट इनसे आंसर निकाल सकते थे नेक्स्ट वाला अगर देखें तो ये दिया है कि यह कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज हंड्रेड माइक्रोफेराड इज चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ ट्वेल वोल्ट एंड सिक्स पॉइंट फोर मिली हेनरी इंडक्टर टू प्रोड्यूस ऑक्सीसन फाइंड मैक्सिमम करंट अब आपको एक कैपेसिटर अगर दिया हुआ है इस कैपेसिटर को आपने मैक्ममली इतना चार्ज कर रखा है और यहां पे एक इंडक्टर लगा दें अब इस इंडक्टर में जो ऑक्सीलेशन होंगे उसमें पूछा है मैक्सिमम करंट क्या है तो जब ये पूरी की पूरी मैक्सिमम एनर्जी जब इस इंडक्टर में आ जाएगी क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर और जब ये एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है तो आपकी करंट सबसे ज्यादा हो जाएगी और ये एनर्जी ज्यादा से ज्यादा किसके इक्वल हो सकती है जितनी कैपेसिटर पे स्टोर है तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम कितनी स्टोर है स्टार्टिंग में हाफ सी बी स्क्वायर अब यहां से अगर आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आई की वैल्यू आ जाए अपनी वी इंटू रूट सी बाई एल V तुम्हें दिया हुआ है C तुम्हे दिया है L तुम दिया है तो जो डाटा दिया हुआ इनके इस वाली वैल्यू को अगर कैलकुलेट कर लें, तो थोड़ा सा यूनिट की में मिला नहीं है, और फाइव यहाँ पे, पे क्या हो रहा है कि ये जो माइक्रो फेरेड और मिली फेरेड वाला जो फंक्शन है ये सही से नहीं दिया हुआ है इसकी वैल्यू हाँ, सही से नहीं दूसरे यूनिट में प्रॉब्लम लग रहा है अभी के हिसाब से ये लग रहा है कि इसका जो है उसके हिसाब से यही आंसर होना चाहिए चलिए तो आगे चलते सर हाँ, अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें एक ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और एक ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो हमें बताना है हमें बताना है कि रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन प्रेशर टू द ऑक्सीजन प्रेशर ठीक है अब देखो हमें यह बात समझ में आती है कि भाई होगा क्या अगर हमारे पास कोई एक पूरा का पूरा सिलेंडर है या फिर कोई भी एक बीकर है उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है ठीक है अब प्रेशर तो दोनों की वैसे से होगा तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके इसके मोल्स के तो प्रेशर जो हाइड्रोजन ने दिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के और जो प्रेशर ऑक्सीजन ने दिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऑक्सीजन के अब देखो जरा

तो ये दिया है कि कंसिडर ए सीरीज ऑफ स्टेप ब्रेथ पॉइंट फाइव मीटर हाइट पॉइंट मीटर ए बॉल इज़ थ्रोन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप फाइंड द मिनिमम स्पीड टू डायरेक्टली जंप टू फिफ्थ स्टेप तो इस वाले प्रॉब्लम को देखें तो ऐसा ऐसा सेम इसी टाइप का प्रॉब्लम एच में भी दिया हुआ था यहां पे आपको चार स्टेप दे दिए ऐसे और फिफ्थ वाले पे डायरेक्टली जंप करना है तो डायरेक्टली अगर यहां पे फिफ्थ वाले पे जंप करना है तो फोर्थ वाले को आपको क्रॉस करना पड़ेगा और फोर्थ वाले को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस सबको पता है टू मीटर आ रही है और ये डिस्टेंस भी टू मीटर आ रही है अब अगर अपन ये देखें कि इसको होरिजोनली फेंका गया क्योंकि इस वाले में हमें यह श्योर नहीं हुआ है कि इसको फेंका कैसे गया है तो अगर इसको होरिजोटली आपने फेंक दिया है तो मिनिमम स्पीड अगर कैलकुलेट करें तो अपना आंसर अलग आ जाए क्योंकि उस केस में अगर देखेंगे तो इसको नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा वो तो हो जाएगा रूट टू एच बाई जी और जी की वैल्यू हो गई टेन और इसकी स्पीड है अपनी यू और इससे इसकी जो रेंज है इतने टाइम में ये आ जानी चाहिए टू मीटर तो यहां से अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो यू की वैल्यू अपनी आ जाए रूट टेन मीटर पर सेकेंड ये मिनिमम स्पीड आ रही है जब अपन ये मान के चलें कि इसको हॉरिजॉन्टली अपन ने थ्रो किया है लेकिन अगर इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो ना करें किसी भी एंगल पे अगर थ्रो करें और उस केस में कहें कि ये मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए तो आपको सिंपल सा सोचना था कि इसको अगर एक इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मान लें तो उस प्रोजेक्टाइल पे मिनिमम स्पीड से अपन कितनी दूर मैक्सिमम जा सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने को मिनिमम स्पीड मिल जाती और डाउन द इंक्लाइन प्लेन में अगर इस इंक्लिनेशन का प्लेन का एंगल बीटा है तो आपको यह पता होगा कि जो मैग्जिम रेंज आती है अपनी आर मैग्जिम जो आती है यह आती है यू स्केर अपॉन जी Sin beta, ये याद रहता है, नहीं तो थोड़ा सा टू रूट टू क्योंकि वैल्यू भी टू है ये वाली भी टू है तो टू रूट टू हो गया इज इक्वल टू यू स्केर हो गया अपॉन जी डाउन साइड में माइनस आता है सॉरी साइन ये हो जाएगा वन माइनस साइन बीटा और साइन बीटा हो जाएगा वन बाई Two, क्योंकि ये वाला एंगल हो गया आपका फोर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री तो ये वाली हो जाएगी वन अगर माइनस अगर हो तो आप कैलकुलेशन देख लोट से रूट टू कैंसिल तो अपना ये हो जाएगा, 20 और इसका पूरे का होल रूट तो ये आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए अगर मिनिमम स्पीड की बात कर रहा है बिना किसी एंगल को चेक किए और होरिजोन अगर दियाका रूट टेन आ जाएगा चलिए बेटी सर नेक्स्ट वाला देखिए चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ वन मीटर पर सेकेंड और वो डिस्टेंस पे है कितने डिस्टेंस पे है? वन मीटर अबे फ्रॉम अ लार्ज शीट ऑफ चार्ज जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है सिग्मा हमें बताना है कि सिग्मा की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो ताकि इलेक्ट्रॉन इस शीट पे आफ्टर वन सेकंड आके टक है देखो क्या हो? अगर मान लो कि हमारे पास ये शीट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होगी बाहर कहां की तरफ होगी बाहर अब अगर देखें अब अगर देखें तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है जो वन मीटर की डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे है वन मीटर पे इसको अवे फेंका है तो मान लेते हैं यू स्पीड से आगे फेंक दिया है है कि नहीं अच्छा यू स्पीड कितनी देर रखी है वन यू कितनी देर रखी है वन अब वो ये बोल रहा है कि भाई क्या वैल्यू सिग्मा की क्या वैल्यू सिग्मा की ताकि ये शीट पे एक सेकंड बाद आके टकराए देखो क्या होगा अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है तो ये नेगेटिव चार्ज है <laughs> अगर नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इस पे जो फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगा और वो कितना लगेगा ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अब मुझे पता है कि अगर एक बहुत इंफाइनेटली चार्ज प्लेट है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिगमा बाय टू आप तो यहां से मैं डेफिनेटली फोर्स निकाल पाऊंगा अब मैं फोर्स निकालूंगा देखो सिग्मा अगर यहां पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस पार्टिकल पे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि मेरी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर सकता हूं अब उसने मुझे क्या बोला एक सेकंड में टकराना चाहिए तो मैं ऐसा बोलूंगा उसको डिस्प्लेसमेंट कितना चलना है लेट अस सपोज मैं इस डायरेक्शन को मान लेता हूं पॉजिटिव इस डायरेक्शन को मान लेता हूं पॉजिटिव तो पीछे वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी नेगेटिव तो देखो ये पीछे यहां पे टकराएगा तो डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेना पड़ेगा माइनस वन मैं सेकंड इक्वेशन यूज करता हूं तो मैं बोलूंगा एस इज इक्वल टू यू टी तो एस हो गया कितना माइनस वन की वैल्यू कितनी रखी है वन

एम और क्यू ई -E की वैल्यू को मैं ले सकता हूं सिग्मा बाय टू एफ नॉट तो मेरे पास फोर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को लिखेंगे ई e, सिग्मा बाय टू एफ सेल नॉट इन एम जब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है वन ओके okay. नेक्स्ट वाला देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम तो बेटी सर क्या बताएं इसको लिख ही रखा होगा सबने या ये भी नहीं लिख रखा होगा ये तो मुझे लगता है बच्चे ने देखा होगा और सीधे सीधे आंसर तो कोई गलत कर है ना तो भाई साहब आपको तो तो नहीं देनी चाहिए। <laughs> अगर ये गलत कर दिया क्योंकि अगर किसी ने कुछ भी पढ़ लिया होगा ना तो ये वाला तो पक्का इसको डिस्कस करते बताऊंगी चलो सर ठीक है लॉ क्या बोलेगा भाई गॉस लॉ बोलता है कि नेट फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट तो यानी क्यू का आंसर होना चाहिए वन क्यू का आंसर होना चाहिए वन

तो यहां पे ड्रॉप कर देते हैं अगर थ्री वोल्ट का तो इसके अक्रॉस फिर ड्रॉप बचा कितना सात वोल्ट का सात वोल्ट का बचा तो एक किलो का, अगर ये वायर है तो इसमें अगर करंट देखेंगे तो वो हो जाएगी सात मिली एमपियर ऐसे इस वाले में अगर देखेंगे तो इस वाले के अक्रॉस वोल्टेज है तीन तो करंट अपनी हो जाएगी थ्री बाय टू यानी वन पॉइंट फाइव मिली एमपियर तो इस वाले में करंट हो जाए वन पॉइंट फाइव मिली एमपियर तो इस वाले में से कितनी चली जाएगी फाइव पॉइंट फाइव मिली एमपियर तो ये अगर मैं 1.5 पॉइंट फाइव मिली एमपियर लिख दू साथ यहां से आई है क्वेश्चन देखो सर। चली सर, वाला देखते हैं। हाँ, ये अब ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बहुत टफ है डायग्राम वाइग्राम देख के बहुत टफ लग रहा है बहुत सिंपल कंसेप्ट है देखो क्या बोल रहा है यहां पे बोला है, आई एट है वहां से करंट जो आ रहा है वो एट एम्पियर का आ रहा है ठीक है अब ये जो करंट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किस किस में एक तो शंट रेसिस्टेंस में और एक गैल्वेनोमीटर में अब उसने हमको ये बता रखा है कि देखो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है में। और उसने हमको ये भी बता रखा है कि जो जाएगा। पर यहां पे दिया हुआ है थ्री मिली अब समझ में आती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा शंट के होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो करंट इसमें फ्लो किया कितना करंट फ्लो किया थ्री मिली एम्पियर थ्री इंटू टेन की पावर माइनस थ्री और इसका रेसिस्टेंस कितना है टेन

तो ये वाले अगर प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो अब अपने पास बीटी सर बचा लास्ट वाला प्रॉब्लम एक वो सोल्व कर ले तो अपना पेपर तो ये सोल्व हो ही गया अब भाई इस पेपर को देख के अपने को ये ये लग रहा रहा है है कि कि जो है, वो एक्चुअल में ये तो नहीं पूछ रहा कि भाई तुम्हें नॉलेज कितना है तुमने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है मेरे को तो बीटी सर देख के लग रहा है कि ये देख रहा है कि बच्चे कितने जेनविन है अगर आराम से पढ़े हैं पेपर आराम से बैठ के दे रहे हैं तो भाई हंड्रेड परसेंट आए लेके आए अगर फिर भी वो कोई मिस्टेक कर दें जानबूझ के ही कर दें या ऐसे ही कर दें आदत ही हो गई है भाई तो भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि कि सर इसमें से दो से ज्यादा किसी के गलत हो जाए ना तो नहीं चांस बनते नहीं है दो या तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट थे क्या थोड़ा थोड़ा सा सा सोचना आ? था, थोड़ा था, सा, था सो, नहीं। थो, थोड़ी, कैलकुलेशन तो 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 कुछ तो करोगे भाई घंटा घंटा दिया है है अपने को फिजिक्स को फिजिक्स तो मिला उसमें अगर देखें तो कुछ एक दो कैलकुलेशन देखे थोड़ा बहुत पेपर में ऐसा बनाया कि भाई टाइम लगाए बाकी जिन लोगों का अभी मान लो आगे आने वाला एग्जाम है उनको भी कई बार कंफ्यूजन होगा हमारे वाले में क्या होगा तो तुम्हारे वाला कोई अलग नहीं है हर किसी को लगता है कि मेरे वाला अलग है तुम्हारा पेपर भी वैसा ही आएगा आराम से अगर सोल्व करोगे तो कल के दिन देख लेना हम तो ऐसे ही सोल्व करेंगे आज भी ऐसे ही सोल्व किया है तो जय पूछ रहा है आपके पैसेंस के अकॉर्डिंग और उनके अकॉर्डिंग कर दोगे तो भाई हंड्रेड फिजिक्स में तो आराम से ही ही आ जाएंगे चलो चलो सर एक ये तो तो आप ही कर लो फिर तो. कल सर्थ वाले सर्थ, करते सर्थ, हैं ये बोलते हैं एक सॉलिड स्पेयर जिसका रेडियस है यूनिट और सेंटर पर रखा हुआ है ठीक है एक सॉलिड स्पेयर मान लिया मैंने अब वो कह रहा है कि एक दो चार्ज है एक माइनस टू क्यू वाला चार्ज है जो कि फाइव माइनस फाइव ए पे रखा है अब जरा सोचो

वो देगा जो मुझे वो फाइव क्यू हो जाएगा तो मैं Q की जगह लिख दूंगा डिवाइडेड तो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी करेक्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा 5. ये अपने आज वाले पेपर में फिजिक्स की हैप्पी एंडिंग लास्ट में देखो आंसर आ गया फाइव बाकी नेक्स्ट वाले में मिलते हैं ये ऐसे ही पेपर आते रहेंगे पढ़ते रहिए बस जस्ट रिवाइज कर लो जो आपने पढ़ा है प्रॉब्लम वगैरह मत करो एक बार तो मेरे हिसाब से तो ओके थैंक यू बैच